गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, कल हमें रेडी होने में बहुत ज़्यादा देर हो गया था, तो साइट सीइंग करने मिला नहीं। तो अभी हम लोग रेडी हो के यहीं से अपना सामान लेके निकल गए। ओके, तो अभी एग्जैक्टली 9 बजे है और हम लोग को 9 बजे ही निकलना था, बट हमें तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट में भी यहाँ पे साइड में कोई तो होटल है, जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे आदर्श होटल, उसके बाद में ही है। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं और मैंने मंगाया है मसाला डोसा, तो अभी हम लोग खाते हैं। और शायद सबसे पहले हम लोग बोटानिकल गार्डन देखने जाएंगे, जो हम लोग को कल ही देखना था, बट वो 6:15 तक बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है ऐसा हमें यहाँ पे लोगों ने बताया, तो वो देखेंगे। और 2-3 साइट सीइंग के प्लेसेस है, और फिर हम लोग यहाँ से ऊटी से नीचे उतर कर मैसूर चले जाएंगे। उन्होंने हमें ऐसे मसाला डोसा ट्रायंगल शेप में दिया है और इसके साथ एक वड़ा दिया है, और यहाँ पे सांभर और चटनी पानी गाइस। तो अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, लाइक मैंने मसाला डोसा खाया और मेरे डैड ने ब्रेड एग ब्रेड खाया, तो बहुत हैवी हो गए। और अभी फटाफट से हम लोग ने खाया, और अभी हम लोग का ये मिनी बस है जो रेडी है, अभी इसमें बैठ के हम लोग को निकलना है और फिर आगे घूमने जाना है। हेलो गाइस, तो ये मेरे डैड है, और ये बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हैं पर ये मेरे डैड है। और अभी हम लोग ना बोटानिकल गार्डन में जा रहे हैं, और थोड़ा पीछे ही हमें छोड़ा हमारे ड्राइवर ने, उन्होंने बोला कि इसके आगे आप प्राइवेट मतलब ऐसे ही ट्रैवल्स वाले गार्डन नहीं लेके जा सकते। और फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इतना ज़्यादा चल नहीं सकते, तो वो लोग ऑटो से गए, और हम लोग अभी चल के जा रहे हैं आगे। थोड़ा चलना है, 100 मीटर्स दूर रहेगा, तो चल के जाते हैं। बोटानिकल गार्डन यहाँ पे बहुत फेमस है, तो वो चीज़ स्पेशली हमें देखनी, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी थोड़ा सा सांस भी फूल रहा है, बिकॉज ठंडी है और चलना पड़ रहा है। तो यस, गवर्नमेंट का बोटानिकल गार्डन है, इसके आप डिटेल्स देख सकते हो। 7 to 6:30 है, और यहाँ पे टिकट भी लिखा है, टिकट प्राइस देख सकते हो गाइस। तो दीज आर ऑल दी गाइडलाइंस फॉर द विजिटर्स, एंड इफ यू विजिट इनटू एनी नेचुरल प्लेस और एनी हिस्टोरिकल प्लेस, दीज थिंग्स यू ऑल शुड रिमेंबर, बिकॉज हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, यू शुड कीप द प्लेस क्लीन। ओके, सो यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में हम लोग ने भी एंट्री की टिकट्स लेकर, और यहाँ पे स्टार्टिंग ही आप देख सकते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स है, उनका नाम भी वहाँ पे शायद लिखा होगा, और यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स है, और पीछे यहाँ पे एक तोफ रखी है, और पीछे देख सकते हैं द गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन इज मेंटेन्ड बाय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ऐसा पीछे बोर्ड लगाया है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्लावर्स है, यहाँ पे लिखा है डू नॉट लग, तो वी शुड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट और उसे क्लीन रखना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही आगे आगे ऐसे ही घूमते हैं। प्रतिरोध हाय गाइस, तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया है, और पीछे आप देख सकते हो ये पूरा इतना एरिया पूरा गार्डन है, और यहाँ पे पूरे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स है, प्लांट्स हैं, और बारिश भी हो रहा है, तो अभी हम लोग ये बारिश में घूमने वाले हैं।
गार्डन में ये लोगों ने ऐसे इंडिया का मैप बनाया है। वहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेनियस रेंज भी बनाए हैं और यहाँ पे प्लांट्स के फॉर्म में बनाए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है यू आर हियर, मतलब कि हम लोग अभी है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे लोकेशन दिया है। और हम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र से ट्रैवल करके सबसे पहले आंध्र प्रदेश में गए, फिर आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी टेंपल में दर्शन लिया, मतलब कि वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन लिया। फिर वहाँ से हम लोग ट्रैवल करके आए कर्नाटक में, कर्नाटक में हम लोग मैसूरू में उतरे, मैसूरू से हम लोगों ने बस किया, बस में से हम लोग कर्नाटक का बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु में, और अभी हम लोग तमिलनाडु में हैं। अभी ऊटी में हम लोग ये बोटानिकल गार्डन देख रहे हैं और बारिश हो गया तो थोड़े से हम लोग भीग भी गए हैं, बट वेदर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बारिश तो होता है। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंडिया का मैप। सब जगह पे वही सेम, मतलब अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स। अगर आपको फ्लोरिकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स दिखेंगे। बट बारिश की वजह से अभी थोड़ा सा कीचड़ हो गया है तो हमें चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे निकल रहे हैं। और हमें अभी थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है और ऊटी से नीचे भी जाना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ही निकल रहे जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्यूटिफुल अनड्यूलेटिंग लॉन्स। द टॉल ग्रेसफुल ट्रीज हियर आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट टू द लॉन इज द इटालियन फॉर्मल गार्डन एंड व्यू पॉइंट वेर यू कैन सी पैनोरामिक व्यू ऑफ द इटालियन गार्डन एंड न्यू गार्डन। नेक्स्ट टू द इटालियन गार्डन इज द कंजर्वेटरी एंड टॉप गार्डन। अभी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे गार्डन घूम के हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बलम है इंडिया का। एंड अभी हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे और आगे साइट सीइंग करेंगे। तो फिर यस ओके बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस।